स्टार प्लस का पॉपुलर फैमिली ड्रामा और लॉन्ग रनिंग शो ये रिश्ते क्या कहलाता है मैं जहाँ दर्शकों को लग रहा था कि अब सब कुछ हो जाएगा ठीक, तो इस सीरियल के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नायरा के ऊपर टूट पड़ेगी एक और नई मुसीबत। और आज हम आपको देंगे इस सीरियल के आने वाले एपिसोड से जुड़ी कुछ डिटेल्स, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस सीरियल के पिछले एपिसोड की। इस सीरियल के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे नायरा को आदित्य को मारने के जुर्म में जाना पड़ता है जेल, तो ये अपनी बहन के ऐसे सलाखों के पीछे देखकर नक्श हो जाता है काफी ज्यादा शौक और वो सीधे पहुंच जाता है आदित्य के पास। लेकिन उसी वक्त मनीष रोक लेता है नक्श को आदित्य के पास जाने से, तो एक कार्तिक और कीर्ति भी थे कहीं ना कहीं गायब, जिसे देखकर सब हो गए थे काफी ज्यादा परेशान। लेकिन कहानी बड़ा मोड़ तो दबाया जब नायरा को दूसरे जेल में ले जाने की बात हुई, तो ये जैसे ही ये बात कोइंका फैमिली के मेंबर्स को पता चली तो वो हो गए काफी ज्यादा शॉक। और आपको बता दें कि ये सब होती है आदित्य की चाल और वो फिर से फंसा देता है नायरा को झूठे इल्जाम में। लेकिन एक बार फिर कार्तिक और कीर्ति नायरा को जेल से छुड़ाने के लिए करते हैं मदद, और कार्तिक और कीर्ति के स्मार्ट प्लान में आदित्य खुद अपने मुंह से अपने ही प्लान का कर देता है खुलासा। वे आदित्य की ये सारी बात सुन लेती है पुलिस और ले जाती है उसे अरेस्ट करके। और अब आप इस सीरियल के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि नायरा उसके सपने के बीच आ खड़ी होगी एक और नई मुसीबत। वेल नायरा कैसे अपने सपने के बीच की दीवार को हटाती है ये देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। और इस सीरियल से रियोबिलेटेड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज़। जस्ट फॉर यू टॉप न्यूज़ से अमित की रिपोर्ट।